कोई बात नहीं करता, मुझे कोई बात नहीं करता, बड़े परिंदे मुझे कोई बात नहीं करता, मुझे बात नहीं करता, बात नहीं। ये क्या है, ये क्या क्या सब मतलब इंस्टा में चल रहा है, सच में लेकिन बहुत फनी लग रहा है। ग्रेट, चलिए मेरे हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली ग्रीन ब्लॉग। फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ और मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं। तो मुझे कमेंट आया था कि हेयर वॉश वाला तो वीडियो नहीं हो पाया, और अभी तो ठंड लग रहा है, आज बारिश भी सुबह से हो रहा है। चलिए मैं हेयर ड्राई करूंगी, हेयर कॉम करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फ्रेंड जब मेरे चैनल करनी हो विजिट करते लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा चैनल में ऐसे हमेशा फनी फनी वीडियो आएगा, ये रिक्वेस्ट था वो जो हेयर ड्राई वाला और हेयर कॉम वाला। तो चलिए मैं हेयर ड्राई करती हूँ, हेयर कॉम करती हूँ, आगे मैं क्या वीडियो बना सकती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूंगी। चलिए ओके, मेरे साथ आप भी चलिए। मेरे से कोई बात नहीं करता, चलो बाल को मैं पहले ड्राई कर लेती हूँ, आज तो गुरुवार है आपको पता है, पहले ड्राई कर लेती हूँ क्या होता है। देखिए इधर का पॉइंट है तो इधर ही मैं बाल को ड्राई करूँगी। अभी तो आज तो बारिश हो रहा है ना, बारिश की वजह से मतलब क्या बोलूँ, सुबह से बारिश हो रहा है। तो मुझे कमेंट आया था हेयर वॉश और हेयर ड्राई वाला और हेयर कॉम वाला वीडियो बना, तो ठीक है मैं कर लेती हूँ। बस इसी टाइप का चैलेंज तो मैं मतलब कर लूँगी। और वो जो पिगी नोज वाला आप बोल रहे थे, पिगी नोज वाला तो नहीं कर पाऊँगी। पिगी नोज में मैं करी थी लेकिन क्या हुआ ना, आपनों ने ही बहुत बड़ी बात सुना दिए तो मैं नहीं करी और नहीं करूँगी वो पिगी नोज वाला। ठीक है मैं पहले बाल को सुखा लेती हूँ, मेरे से कोई बात नहीं करता, मेरे से कोई बात नहीं करता। हमारी प्यारी सी बच्ची अभी अभी उठ रही है, उठी है, रात में पढ़ाई कर रही थी लेट देर रात तक, तो अभी उठी है। सुखी बोला वजन नहीं देखना, खाना वाला मैं वीडियो बनाऊँ तो एकदम से 10 मिनट 15 मिनट हो जाएगा। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो तो कोई इतना पेशेंस से नहीं देखते हैं, स्किप करते हैं, और जितना छोटा हो सके उतना ही मैं छोटा बनाऊँगी। बस पहले बाल को उठा लेती हूँ, बहुत बाल झड़ गया है, जितना भी ट्रीटमेंट करो बाल का कुछ भी नहीं काम हो रहा है, कितना भी करो इतनों सा तो बाल है, इतनों सा बाल है। मैं दिखाती हूँ, इधर तो नहीं होगा, चलो बाल को पहले मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मुझे कोई बात नहीं करता। बस बस हो गया ना, बस हो गया ना, बाल हो गया। ओके बाल तो बहुत झड़ रहा है, देखिए कितना बाल है, इतना बाल है। हमारा थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है,
आप एडजस्ट कर लीजिए मेरे लाइट को। पता नहीं क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए सुबह सुबह मतलब मैं सुबह सुबह क्या जो बाल को मैं झाड़ दिया था, उसके बाद मैं सब्जी काटने बैठ गई थी दलमा करने के लिए, और जो पपीता और जितने भी सब्जी था उसको मिलाकर मैं दालमा बना लेती हूँ, और जो अरहर दाल में, और अरहर दाल तो आज नहीं था तो मैं चना दाल में बनाई थी। सब्जी सारे सब्जी को काट के रख दूँगी और बाद में मैं बनाऊँगी ना, इसलिए काट के रख दिया था। और नाश्ता के लिए हम चिल्ला बनाए थे, जो आटे की चिल्ला बनाए थे, अच्छा लगता है मुझे आटे के चिल्ला के साथ जो चीनी अच्छा लगता है शक्कर के साथ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। किस किस को लगता है ऐसे टेस्टी? मैं तो खाई हूँ, जो खाई थी चीनी के साथ चिल्ला, मेरी बेटी खाई थी और जो टमाटो सॉस के साथ चिल्ला, और सुबह कुछ भाजी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, और टाइम भी हो रहा था और बारिश ऊपर से, और बाल को भी मैं ड्राई करी ना लेट हो गया था, तो मैं वो सब कर दिया इजी तरीका से, जो नाश्ता होगा वो बनाई ली थी। तो देखिए बारिश हो रहा है, ओह मुझे अभी शॉप जाना है, मैं शॉप जाऊंगी। देखिए बारिश हो रहा है, सुबह से बारिश हो रहा है, मैं फिर भी बाल को वॉश कर लिया, और चलिए मैं अभी सब जाऊंगी। पत्ता गोभी तो बन गया, और जो दालमा भी हो गया था उसको छौंक लगा दी, रोस्टेड जीरा और धनिया पाउडर दे दिया, और ऊपर से जो हमारा धनिया पत्ता, मेरे फ्रेश फ्रेश धनिया पत्ता मेरे बगीचे में ही हुआ था, उसको मैं लाकर दे दिया, उसको ढक्कन लगा दिया, उसका मतलब बहुत अच्छा टेस्ट खुशबू आता है। और इधर देखिए पतिदेव भी पहुँच गए, उस टाइम हम बाहर में धूप में खड़ा हुए थे, तो दालमा बैठा था चूल्हा पर, और गोभी भी बना सब्जी बना दी थी, और बैठा था मतलब वो होने वाला था। उसके बाद मैं क्या करी ना, जो मतलब थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा था दोपहर को, सुबह तो बारिश हो रहा था लेकिन दोपहर को धूप आ रहा था, धूप में हम खड़ा है थे, तो बेटी को बोली चलो, थोड़ा थोड़ा कंटा जैसा पौधा था, उस पौधे को अभी नहीं मारेंगे तो मतलब उसको मारना पड़ेगा, नहीं तो ख़राब कर देगा, मत जहाँ चल के जाओगे भी तो कहीं भी लग जाएगा, चुभेगा, तो उसको हमारा यहाँ कुछ और कहते हैं, जो ग्रीन ग्रीन टाइप का कंटा जैसा लगता है उस पौधे को, अब कैसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, शायद मैं उसी का क्लिप नहीं ली हूँ, लेकिन दूर से आपको पता चलता है कि नहीं। देखिए उस पौधे को मैं जो उखाड़ दिया वो पौधे है वो अच्छा नहीं होता है, तो उसको मैं निकाल, जो वो जो खुदाई होता है ना उसी में से निकाल रही थी, थोड़ा सा उसको काट रही थी। तो वीडियो को मेरे एंजॉय कीजिए और ऐसे साथ देते रहिए।
देखिए कितने अच्छे जो पुदीना पत्ता हुआ है, और ये है स्टार फ्लावर का जो पौधा है, और ये तो तुलसी पौधा, स्नेक प्लांट्स देखिए, केला कितने बड़े बड़े है इन लगा। देखिए कुछ प्याज रह गया था तो जो ग्रीन मतलब अंकुर गया था तो उसको मैं लगा दी हूँ। बड़ा बड़ा प्याज, छोटा प्याज नहीं बड़ा बड़ा प्याज है, उसको मिट्टी में दे दिया, देखती हूँ होता कि नहीं। सर्दी तो हो रहा है, बस आज का ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई मतलब। अभी मैं रखती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।